हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक ओएसटी सॉन्ग के ऊपर जो कि होने वाला है आतिफ असलम सर का। और इसके अंदर कौन कौन है देख लेते हैं। आतिफ असलम है और हम टीवी एक चैनल है यूट्यूब पर, काफ़ी बड़ा चैनल है, उसके ऊपर ये सॉन्ग पब्लिश हुआ है। हमने हाल फिलहाल में संगे माँ एक ड्रामा सीरियल आने वाला है आतिफ असलम का, तो उस पर ना हमने उसकी टीजर्स के ऊपर रिएक्शन वीडियो किया था। दैट टाइम मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, इनफैक्ट आजकल में भी मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए, सेम कमेंट है, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप इसकी ओएसटी के ऊपर रिएक्ट करो। और अभी एक कमेंट मैं बता देती हूँ, एक कमेंट तो मुझे अभी जस्ट मिला है, शकील यूनुस करके उनका नेम है, कि उन्होंने आतिफ असलम के ओएसटी के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। इश्क है, जुनून है, या वो बेखुदी का धमाल है। तुझे क्या खबर है, ओ बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है। बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है। वो जो खुद को भी मिला नहीं तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। तू तो ख्वाहिशों के शहर में है, सफर में है, ना है होश अपने वजूद का, ना ख्याल है। जा बजा तू चल दिया, फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ। जा बजा तू चल दिया, हर रूप में कई रंग। तुझे फूल कैसे मिले बता, तेरे हाथ में है संग। जो सुनी गई ना हुई बयां, अनकही सी दास्ता, उस काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवा। वो जो ख्वाब में भी ना मिल सका तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। तू तो ख्वाहिशों के शहर में है, तू तो चाहतों के सफर में है, ना है होश अपने वजूद का, ना ख्याल। जा बजा तू चल दिया, फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ।
से जख्म से गजब सॉन्ग था यार भाई साहब, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग ट्रैक था। देखा जाए पूरा जो ड्रामा था ना, सबसे ज़्यादा बड़ा लीड कैरेक्टर जो होगा वो आतिफ असलम का ही होगा, डैम श्योर इतना तो है। और आतिफ असलम के फ़ैन होने के नाते ना, हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि यार वो सिंगर तो है ही गजब, के साथ ही साथ वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट उन्होंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। जो ओएसटी था ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल था, खासतौर पे इसके लिरिक्स, हर वर्ड का मीनिंग जो भी इन्होंने गाया ना, एक एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आ रहा था सामने। चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, मतलब संगमरमर तो मैंने सुना है, मतलब जो ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है उसको बोलते हैं ना संगमरमर, बट संगे माँ का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, मैं अभी तक ना उस चीज़ को कैच नहीं कर पाई हूँ। मैंने इनकी टीजर्स भी देखे हैं और अभी सॉन्ग भी देख लिया है ओएसटी, ये आतिफ असलम सर का, बट मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि संगे माँ का एग्जैक्टली एक वन वर्ड में अगर मीनिंग निकले तो क्या होगा। संगमरमर मुझे पता है, संगे माँ का मीनिंग मुझे प्लीज़ बताना एलाबोरेट करके अच्छे से। सच में बहुत ज़बरदस्त ओएसटी था यार, वाकई में बहुत ज़्यादा मैजिकल था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। स्टार्ट तो हो गया आई थिंक ना, क्योंकि ये बोल रहे थे 9 या 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो अभी तक तो स्टार्ट हो गया होगा, बट मैं अभी देख नहीं पाई हूँ। इसी चैनल पर होगा, हम टीवी पर ही इसके एपिसोड्स आएंगे, सो मुझे लगता है अभी मुझे चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि मन कर रहा है देख कर ना, जब हम ऐसे कोई ओएसटी कोई ऐसा अच्छा सा सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं और उसका कुछ ऐसे आगे वो बने हुए होते हैं एपिसोड्स, तो मन कर जाता है देखने का। चलो टाइम निकालते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो अपलोड करेंगे। बट आप पता है क्या है, आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं कि आप पूरे एपिसोड्स पर रिएक्शन करो, बट उसमें टाइम बहुत जाता है। मतलब वो मेरा एक वीडियो पर रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं दूसरे कोई वीडियोस अपने नॉर्मल वीडियोस पे करूँ तो उसमें मेरे 5 से 6 वीडियोस आई थिंक कवर हो जाएंगे, तो मेरा इतना टाइम चल जाएगा, क्योंकि वो 40-45 मिनट्स के हो जाते हैं ना, इसलिए। एनीवेज, सॉन्ग वॉज फैंटास्टिक, मज़ा आ गया मुझे ये सॉन्ग सुनकर। सो गाइज, दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।